स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। तो चलिए बताती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे इसे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमने लिया है मिल्क, और मिल्क के 3 ग्लास मिल्क है, और हनी लिया है मैंने, और जो यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, और जो मैंने आम को इस तरीके से टुकड़े में कट कर लिया है, थोड़ा सा गुलाब जल लिया है मैंने, और थोड़ा सा बादाम लिया है। तो सबसे पहले हम मिक्सी में इस कटे हुए आम पीसेज को हम डाल देंगे आम के। आम को छील धो के छील लिया है हमने, और इस तरीके के पीसेज में कट कर लिया है, और आप टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो मैं 3 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मिल्क इसमें 3 से 4 चम्मच मिल्क डाल के पहले मैं इसका प्यूरी तैयार करूँगी आम का। और जो आप देख सकते हैं हमने तैयार कर लिया है, इस तरीके का इसका प्यूरी तैयार हुआ है, यह बिल्कुल बारीक पेस्ट बन गया है। तो इससे पहले हम पेस्ट बना लेंगे, नहीं तो पूरा दूध एक साथ डालेंगे तो ये अच्छा से बारीक नहीं होगा। तो इसमें कुछ बूंदी हम गुलाब जल के डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालें या अवॉइड कर दें। और हनी भी मैं इसमें ऐड करूँगी, ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो तो अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें हनी डालूँगी, और जो इसे डालने के बाद इसमें 4 गिलास मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैं 3 गिलास इसमें दूध ऐड करूँगी, और तो आप हनी डालने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसमें मिल्क को ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद से फिर इसे एक बार हम मिक्सी में घुमा लेंगे मिल्क डालने के बाद, ताकि ये मैंगो और मिल्क एक साथ हो जाए मिक्स होके। तो आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है बिल्कुल। तो इसे चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो हमने अब इसे सर्व करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं ग्लास लूँगी और इसे अब सर्व कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें आइस डालूँगी, आप चाहें तो मिक्सी में भी आइस डाल के और मिक्स कर सकते हैं, बट मैं अलग से इसे आइस को डालूँगी। तो आप देख सकते हैं आइस मैंने ग्लास में डालने के बाद, उसके बाद से अपना मैंगो शेक इसमें डाल रही हूँ। तो ये बन के रेडी है मैंगो शेक, और आप इसे ऊपर से किसी भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बादाम इस तरीके के पीसेज में कट कर लिया है, और इसे मैं सर्व इसे ऊपर से गार्निश कर दूँगी। और आप यहाँ पे चेरी किसी भी जिसे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक अंगूर से भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर से गार्निश करूँगी, और जो ये रख दूँगी, इससे बहुत अच्छा लुक आता है, और देखने में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पसंद आए रेसिपी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में भी हमारे वीडियो को शेयर करें। तो ये रेसिपी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि कैसी लगी, और गर्मी में इसे ज़रूर अपने घर पे एक बार बनाएं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है, तो ज़रूर ट्राई करें इसे। थैंक यू।